वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगा बकार्डी रम से एक बेहतरीन कॉकटेल। इस कॉकटेल का नाम है पीना बनाना कोलाडा, मतलब पीना कोलाडा बट ट्विस्टेड वर्जन। कैसे, देख लीजिए, ये है इंग्रेडिएंट लिस्ट। बड़ी आसान है इसको बनाना। उसके लिए आपको चाहिए एक ब्लेंडर। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं उसका जार ले लिया। अब यहाँ पर डालूंगा क्या, पहले बकार्डी डाल देते हैं ना, बकार्डी डाल देते हैं। तो चलिए बकार्डी मैं डालता हूँ यहाँ पर अराउंड 60 ml। तो 60 ml रम, वाइट रम कुछ भी चलेगा, जो ब्रांड आपके पास अवेलेबल है वो दे दीजिए। अब वाइट रम देने के बाद आपको देना होगा मरिम्बुला का क्रश। जी हाँ, यह है पाइनएप्पल क्रश। तो मैं इसमें ट्विस्ट डालने के लिए पाइनएप्पल क्रश को यूज़ कर रहा हूँ। यूजुअली आप देखे होंगे कि पीना कोलाडा में मोस्टली पाइनएप्पल जूस को इस्तेमाल करते हैं, बट पाइनएप्पल क्रश से बना के देखिए क्या फैंटास्टिक बनता है। तो मैं यहाँ पर डालूंगा अराउंड 60 ml। थोड़ा अपने आँखों से मेजर कर दूंगा। आप हमेशा कोशिश कीजिए यू नो टेप मेजर से मापने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अभी फ्रेश क्रीम दूंगा। फ्रेश क्रीम मतलब देखिए, आइसक्रीम है सबसे बेहतरीन सब्स्टिट्यूट मैं बोलूँगा। आप डायरेक्टली इसमें आइसक्रीम डाल सकते हैं, वनीला आइसक्रीम, बट मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं पाइनएप्पल क्रश यूज़ किया और ये क्रश जो है ना काफ़ी मीठा है, तो मीठापन ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं इसमें वनीला आइसक्रीम दे दिया। तो मैं यहाँ पर क्रीम यूज़ करूँगा, फ्रेश क्रीम। चलिए, तो फिर अराउंड 30 ml के करीब करीब मैं फ्रेश क्रीम डाल दिया, बस ठीक है। अब मैं दूंगा बनाना। जी, मैं एक पोर्शन मैंने छोटा सा पीस टुकड़ा को मैंने काट के रख दिया, तो ये बनाना मैं दे दूंगा, मतलब एक बनाना का आधा हिस्सा आपको चाहिए। तो मैं डाल दिया अंदर में, ये नहीं जा रहा है, बोले कि नहीं जाएगा, तो मैं इसको जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ कोकोनट सिरप को। जी हाँ, पीना कोलाडा में मोस्टली जो है ना कोकोनट का फ्लेवर मिलता है, वहाँ पर कोकोनट क्रीम को कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है या कोकोनट सिरप। तो मैं यहाँ पर कोकोनट सिरप यूज़ कर रहा हूँ अराउंड 20 ml। पूरा मैं नहीं दूंगा, थोड़ा सा बचा लिया, 20 ml। कोकोनट सिरप भी हो गया। अब थोड़ा सा क्रस्टाइज दे दीजिए, चलिए ऐड कर देते हैं। बस अभी इसको अच्छा करके ब्लेंड कर देना है। तो आ गया मेरा ब्लेंडर, चलिए ब्लेंड कर। बस मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो चुका है। अब इसको मतलब होल कॉन्सेंट्रेट को आपको एक ग्लास में डाइवर्ट करना है। तो मैं एक ग्लास ले लिया और इसमें मैं डाल दूंगा। कितना शानदार लुक्स है ना, देखिए येलो कलर का। और यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइनएप्पल का जो लीफ है मैं थोड़ा सा चुन के लाया था मार्केट से, तो मैं यहाँ पर पाइनएप्पल लीफ भी दे सकता हूँ। बट उससे पहले इस ग्लास में मैं थोड़ा सा क्रस्टाइज और ऐड करना चाहूँगा, सो दैट इट्स लुक अमेजिंग, राइट। तो थोड़ा सा और क्रस्टाइज नाउ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। अब मैं इसमें ये जो पाइनएप्पल है, ये पाइनएप्पल का लीफ जो है, मैं यहाँ पर 3 ऐसे डाल दूंगा। बस आपका कॉकटेल बन गया है और ये है पीना बनाना कोलाडा। कैसा लग रहा है देखने में, है ना, बहुत फैंटास्टिक लग रहा है ना। चलिए, तो फिर थोड़ा स्ट्रॉ लेकर टेस्ट कर ही लेते हैं, है ना। बकार्डी का जो पंच है ना वो भारी मात्रा में मिल रहा है और साथ में बनाना कोकोनट क्रीम एंड कोकोनट का जो फ्लेवर है वो अमेजिंग। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।